सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कई राज्य कार्मिकों को BLO नियुक्त किया जाता है। BLO नियुक्ति के संबंध में कई शिक्षक संगठनों ने ज्ञापन भी दिया है कि शिक्षकों को इस कार्य से मुक्ति दिलाई जाए, शिक्षकों को BLO नहीं नियुक्त किया जाए। इसके संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने एक पत्र जारी किया है जिसके संबंध में बताया है कि BLO किसे नियुक्त किया जाना चाहिए, किसे नहीं नियुक्त किया जाना चाहिए, साथ ही किसको इसमें प्राथमिकता से BLO बनाया जाना चाहिए। बात करें इस आदेश की, जो समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर राजस्थान को लिखा गया है, राजस्थान सरकार निर्वाचन विभाग की ओर से, और इसका जो सब्जेक्ट है BLO की नियुक्ति के विषयों में विभिन्न शिक्षक संघ BLO से प्राप्त ज्ञापनों के निस्तारण के संबंध में है। यानी BLO की जो नियुक्ति की जाती है उनके संबंध में विभिन्न शिक्षक संगठनों ने ज्ञापन पेश किए हैं और BLO से भी जो ज्ञापन प्रस्तुत हुए हैं उनके निस्तारण के संबंध में बताया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुशंसा के बाद BLO की नियुक्ति संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जाती है। BLO की नियुक्ति एवं अन्य विषयों के संबंध में कृपया निम्नानुसार कार्रवाई करवाया जाना सुनिश्चित करावें। अब यहाँ पे उनको बता दिया है कि आपको कैसे कार्रवाई करनी है। नंबर वन, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपने निर्देश जो 2007 ERS दिनांक 28/8/2008 के द्वारा ऐसे अध्यापक जिनके द्वारा BLO का कार्य भी संपादित किया जा रहा है के पद कार्यों और चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य के मध्य समय संतुलन स्थापित किए जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें यथासाध्य अध्यापन दिन और समय के संबंध में भी स्पष्ट दिशा निर्देश विहित किए गए थे। उन यानी उक्त निर्देशों की अनुपालना किया जाना अपेक्षित है। तो सबसे पहले जो 2008 में निर्देश दिए गए थे उनकी पालना की जाए। उसके बाद नंबर दो पॉइंट यह है, भारत निर्वाचन आयोग या पूर्वी विभागीय निर्देशों के अनुसार BLO के रूप में टीचिंग स्टाफ जो भी है उसके द्वारा जो BLO का कार्य अवकाशों में यानी होलीडे में तथा कार्यालय समय पूर्व और पश्चात करने के भी निर्देश है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर द्वारा जो सिविल रिट याचिका संख्या भी दे दी गई है, महेश स्वामी बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय 2022 में अध्यापकों द्वारा BLO के कार्य निष्पादन को समुचित माना गया है। तथापि यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि BLO का कार्य इस प्रकार निष्पादित किया जाए जिसे शैक्षणिक गुणवत्ता भी विपरीत रूप से प्रभावित ना हो। नंबर थर्ड, कि BLO की नियुक्ति हेतु भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 2008 द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। इस पत्र में निर्देशित पदों के अनुसार सभी श्रेणी के कार्मिकों की नियुक्ति BLO के रूप में उपलब्धता के अनुसार की जानी चाहिए। यानी कोई विशेष नहीं है, सभी श्रेणी के कार्मिक है उनकी नियुक्ति BLO के रूप में उपलब्धता के अनुसार की जानी चाहिए। BLO की नियुक्ति में आयोग के उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जानी चाहिए, अर्थात BLO की जब भी नियुक्ति की जाए तो कार्मिकों की उपलब्धता के अनुसार की जाए और इसमें सभी श्रेणी के कार्मिकों को भी लिया जाना चाहिए BLO की नियुक्ति के रूप में उपलब्धता के अनुसार। साथ ही पॉइंट नंबर चार मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ऐसे विद्यालय जहां एकल शिक्षक नियुक्त है, आप सभी दोस्तों जानते हैं कि कई विद्यालय ऐसे हैं जहां एकल शिक्षक नियुक्त है, वहां उस क्षेत्र के में अन्य उपलब्ध राज्य कार्मिकों को भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक जो जारी किया गया था 3 नवंबर 2010 में उल्लेखित पदों से BLO की नियुक्ति संबंधित ERO द्वारा प्राथमिकता से की जाए। इसके साथ साथ किस कार्मिक को छूट दी गई है, BLO के रूप में नियुक्त यदि कोई कार्मिक स्थायी शारीरिक असक्षमता के कारण BLO कार्य करने में असमर्थ हो तो उसकी वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर ERO उचित निर्णय लेकर किसी प्रशिक्षित दूसरे कार्मिक को BLO नियुक्ति पर विचार कर सकता है। इसी के साथ साथ किसको प्राथमिकता मिलेगी, तो निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा BLO नियुक्त के समय सर्वप्रथम स्थानीय कार्मिक संबंधित मतदान केंद्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत मतदाता कार्मिक को प्राथमिकता दी जाए। किसी भी BLO को उसके पदस्थापन स्थान से बहुत अधिक दूरी से आवागमन होने से मूल विभाग के दैनिक कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए आवश्यक परिस्थितियों एवं कार्य की गंभीरता को देखते हुए ऐसी नियुक्ति के लिए ERO द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। साथ ही दोस्तों, BLO राष्ट्रीय महत्व के कार्य है के निर्वहन के साथ समय के मूल विभाग के दायित्व का भी निर्वहन करते हैं। निर्वाचक नामावली से संबंधित कार्यों का आयोग के दिशा निर्देशानुसार समयबद्ध तरीके से संपन्न करना होता है। साथ ही प्रभावी पर्यवेक्षण के दौरान कुछ BLO
सुपरवाइजर को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं। अगर इन बीएलओ सुपरवाइजर द्वारा समय के साथ प्रभावी और संतोषजनक कार्य कर लिया गया है तो उनके स्पष्टीकरण नोटिसों को समयबद्ध तरीके से निस्तारित भी किया जाए। तो दोस्तों ये थे बीएलओ की नियुक्ति के संबंध में नवीन आदेश। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।